हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए यार, मॉर्निंग से एक प्रॉब्लम असेसमेंट के पोर्टल पे देखने को हमें मिल रही है और ये जो प्रॉब्लम है ये आपके सामने है। ये प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट को शो हो रही है और इसमें लिखा हुआ है, सॉरी द ऑर्गेनाइजेशन यू आर द ट्राइंग टू एक्सेस इज नॉट एक्टिवेट। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि कुल मिला के इसका जो LMS पोर्टल है जहाँ पर आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, इसमें सर्वर का एरर हुआ है। और ये जो एरर है ना, ये एक स्टूडेंट को नहीं हो रहा, ये मोस्टली हर एक स्टूडेंट को हो रहा है, चाहे वो मोबाइल से करे, चाहे वो लैपटॉप से करे, चाहे वो डेस्कटॉप मोड ऑन करे, किसी से भी करे। जैसे ही ओपन करते हैं आपको इस तरीके का एक पॉपअप शो हो रहा होगा। अब सॉल्यूशन क्या है? वैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि SOL ने वादा किया था कि ये पोर्टल कभी भी हैंग नहीं होगा, बट ये एक बग है या एरर है। ये तो इतना कंफर्म है कि ये इसका जो सर्विस है वो डाउन हो चुकी है। LMS पोर्टल की जो सर्विस है वो थोड़ी दिनों के लिए, मुझे लगता है कुछ घंटों के लिए डाउन हो गई है। एक्चुअली आज शनिवार है और जो SOL के जो हेल्पलाइन नंबर है वो सारे हेल्पलाइन नंबर अभी स्विच ऑफ जा रहे हैं। कल इतवार है, कल भी स्विच ऑफ जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है क्या? तो देखिए, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, अभी काफ़ी समय है, इंटरनल असेसमेंट चलेंगे। अभी जो थर्ड सेमेस्टर में है उनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेंगे। और भाई अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उनका 10 दिसंबर तक आपके इंटरनल असेसमेंट चलेंगे। ये प्रॉब्लम हुआ ये है कि अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट हो रहे थे, अब थर्ड सेमेस्टर के भी हो गए, जिसकी वजह से सर्वर में दिक्कत आ रही है। और काफ़ी स्टूडेंट की ये भी कंप्लेंट थी कि उन्होंने इंटरनल असेसमेंट देते रहते, उनका ऑटो सबमिट भी हो रहा है, यानी उनका अटैम्प्ट भी बेकार जा रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा ये तो कोई बता नहीं पाएगा, बट मैं एक चीज़ कहूँगा, LMS पोर्टल में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये चीज़ मैंने आज खुद देखी है कि हाँ, LMS पोर्टल ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको एक्सेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें लोड बढ़ता जा रहा है। मॉर्निंग से ही इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। अगर आज ये रात तक सॉर्ट आउट हो जाती है, कल सुबह तक सॉर्ट आउट हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, वरना ये प्रॉब्लम मुझे लगता है मंडे तक ही सॉर्ट आउट होगी जब SOL ओपन होगा। अगर ये रात तक ऑटोमेटिक हो जाती है बहुत अच्छी बात है। बाकी इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि एक ईमेल प्रोवाइड करा दिया है, इस ईमेल पे आप मेल कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि सर हमारा पोर्टल काम नहीं कर रहा है। और बाकी ये कॉल नंबर भी दे रखे हैं इन्होंने, आप इनको भी कॉल करके ट्राई कर सकते हो। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है सारे स्टूडेंट को आज देखने को मिल रही है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, बाकी इन पर मेल डाल दीजिए। जैसे ही इनको पता चलेगा ये पोर्टल रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप अकेले नहीं हो, आप एयरप्लेन मोड लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये पोर्टल पे सर्वर पीछे से ही बंद हो चुके हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोला गया है, यानी कि ये जो सर्वर एरर हुआ है ये IOUN की तरफ से हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। आज का पूरा दिन मुझे लगता है कि नहीं दे पाया क्या काफ़ी स्टूडेंट ने, कल मॉर्निंग तक अगर रीसेट हो जाता है तो दे देना, वरना मंडे को तो ये 100% स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी, बाकी अभी आप कहीं मत विजिट करना SOL वगैरह का, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और लॉगिन करते रहो, मुझे लगता है रात को लॉगिन करना, हो सकता है ठीक हो जाए। जब मैं वीडियो आप देख रहे हो तब तक भी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, ऑटोमेटिक ठीक होगी, ये सर्वर एरर है। ठीक है, थैंक यू।